गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक भाग 1। मेरा नाम निशि अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हम मौसम अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। कभी सूती वस्त्र, कभी रेशमी व कभी ऊनी वस्त्र पहनते हैं। घर में हम बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, बस्ते, बोरे व झाड़न का उपयोग करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से बने होते हैं। बच्चों, हम घरों में अलग अलग तरह के कपड़े देखते हैं, बेडशीट, झाड़न, पहनने वाले कपड़े। कोई वस्त्र सूती होता है, कोई रेशमी होता है और कोई ऊनी वस्त्र होता है। ठीक है बच्चों, वस्त्रों में विविधता। वस्त्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सूती। नंबर 2, रेशमी। नंबर 3, ऊनी। और नंबर 4, संश्लिष्ट। तो बच्चों, वस्त्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे कि वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है। वस्त्र का निर्माण, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक तंतु। नंबर 2, संश्लिष्ट तंतु। बच्चों, जो हम वस्त्र पहनते हैं वो तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, और ये तागे जो तंतुओं से मिलकर बनते हैं वो बहुत पतले होते हैं। तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पौधों से या जंतुओं से, और संश्लिष्ट तंतु, ये अपने आप हमें नहीं प्राप्त होते, ये बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थों से। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पादप से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। बच्चों, रुई
और जूट, ये दोनों ही तंतु हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। बच्चों, ऊन हमें भेड़ से मिलती है और रेशम हमें कीट से प्राप्त होता है, और ये कीट कहाँ रहता है? पौधों के पत्तियों के ऊपर। ठीक है बच्चों, नंबर दो, संश्लिष्ट तंतु, वे तंतु जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, वे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। आजकल हम पहनते हैं ना कई तरह के पतले पतले कपड़े जो हमें गर्मी में अच्छे लगते हैं, बरसात में भी हमें अच्छे लगते हैं, वो सब संश्लिष्ट तंतुओं से बनाए जाते हैं। रुई, रुई कपास तंतुओं से बनी होती है। कपास पौधे के फल भाग से प्राप्त होती है। जूट या पटसन, पटसन तंतु को पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। जूट पटसन पादप के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि कताई क्या होती है। कताई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए तकली व चरखे का उपयोग किया जाता है। बुनाई, बच्चों, तागा बनाने के बाद क्या किया जाता है? बुनाई की जाती है। तो अब हम समझेंगे बुनाई कैसे की जाती है। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। बच्चों, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, इसमें कागज की दो पट्टियां ली गई हैं, हरी और लाल। इन दोनों को आपस में व्यवस्थित करके बुना जा रहा है। इसी तरह से तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, वस्त्रों की बुनाई
करघों पर की जाती है। आप चित्र में देख रहे हो, महिला करघे पर वस्त्र का निर्माण कर रही है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, अर्थात विद्युत से चलाए जाते हैं। स्वेटर की बुनाई हाथों से अथवा मशीनों द्वारा की जाती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग दो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।